आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का अपना वायदा पूरा नहीं कर पाई है। सोशल मीडिया में एक बार फिर राहुल के आरोप पर खेमेबंदी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने कभी ऐसा कोई वायदा किया भी था या नहीं। सच क्या है, जानिए वायरल सच की पड़ताल में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। इन्हीं आरोपों में से एक आरोप रोजगार को लेकर था। पहले सुनिए राहुल गांधी ने आखिर रोजगार को लेकर क्या कहा। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। राहुल गांधी यही नहीं रुके, रोजगार मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने पकोड़े वाला मुद्दा भी उठाया। जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकोड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दावा है कि पीएम मोदी ने 2014 आम चुनाव से पहले अपने भाषण में 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया था। तो क्या सच में कभी पीएम मोदी ने किसी भाषण में हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था? इस बात की पड़ताल के लिए हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल की। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में आगरा की एक रैली का हवाला देकर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आगरा में एक रैली के दौरान हर साल 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। हमने 21 नवंबर 2013 को नरेंद्र मोदी की उस आगरा रैली को देखा, लेकिन उस रैली में पीएम मोदी ने रोजगार को लेकर क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था, पूरी ताकत से बोलो, वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? अरे भाइयों बहनों, रोजगार लेने की बात छोड़ो, आगरा में तो सारे कारखानों को ताला लगा दिया है, ताला लगा दिया है। यहाँ ये बात साफ हुई कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 की प्रचार रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार के 1 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा लोगों को बताया था। नरेंद्र मोदी ने आगरा में खुद की सरकार के रोजगार देने पर कोई वायदा या आंकड़ा पेश नहीं किया था। इसके बाद हमने 2014 आम चुनाव से पहले बीजेपी के चुनाव पूर्व घोषणा पत्र की जांच की। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव पूर्व विजन डॉक्यूमेंट में भी बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का कोई जिक्र नहीं किया। अब तक की पड़ताल से मिली जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में या बीजेपी ने चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।